welcome back to my channel. I am Veena Marga and after so long time I'm uploading this video, but this is video, it's very interesting, and this is also my favorite video, and it's inspired from celebrity outfit. And my today's outfit all about Samantha Akkineni. Really, she is looking gorgeous in that dress. So maine aisa hi fabric market mein find kiya hai, and but print mein thoda le pai hu, lekin fabric I don't know what is it exactly, but ye thoda neater fabric and with the satin blend ke साथ में ये फैब्रिक है, बट आपको ये मार्केट में आपको इजीली नहीं मिलेगा ये फैब्रिक. सो आप यही चीज आप सैटिन फैब्रिक से बना सकते हैं. बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप कॉटन में क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज कॉटन दो तीन वॉश के बाद में वो थोड़ा सा फैड हो जाता है. कलर तो फैड होता ही है, बिकॉज कॉटन की ये क्वालिटी है कि कोई भी कलर उसमें फैड हो जाता है. तो आप थोड़ा सा पॉलिस्टर बेस के साथ में फैब्रिक यूज कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इवन आपको उसको आयरन करने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी, आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है देन आप इजिली इस ड्रेस को कैरी कर सकते हैं. डेली यूज इस पे पहन सकते हैं आप, इसको वीकेंड पे पहन सकते हैं. अगर आपको कोई इवनिंग में पार्टी इंजॉय करनी है, पार्टी अटेंड करनी है, देन ऑल्सो यू कैन वेयर दिस प्रिटी गार्मेंट. एंड ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये फैब्रिक, 150 रुपीज पर मीटर है, एंड मैंने ये वन पीस 1.5 मीटर में बनाया है गाइस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी दैट हाउ इट्स इजियर फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. मेरे पास में यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक है. फैब्रिक को ग्रीन लाइन पे फोल्ड करके फोर फोल्ड पे करना है. फैब्रिक मेरे पास यहाँ पे सैटिन फैब्रिक है, थोड़ी सी शाइन है इस फैब्रिक में, काफ़ी फ्लोई फैब्रिक है. सो दैट अच्छे से फोल्ड करना है, एंड देन आपके पास भी कोई भी आपका टाइट फिटेड टी शर्ट हो एंड जो लेंथ आपको रखनी है वहाँ से कट कर देना है आपको. फैब्रिक कट करने के बाद में आर्म होल ड्रॉ करके वहां से आर्म होल को भी कट कर देना है. बैक नेक लाइन हमें मिल गई है एंड साइड से जो फोल्ड है उसको कट कर देना है. सेकेंड चीज फ्रंट को कट करने के लिए वन पार्ट को साइड में कर देना है एंड आपको जितना डीप रखना है उतना मार्क करके जो नेकलाइन ड्रॉ करनी है वो नेकलाइन ड्रॉ करके वहाँ से कट कर देना है फैब्रिक को. मैं यहाँ पे स्क्वायर राउंड नेकलाइन ड्रॉ कर रही हूँ. लाइनिंग को फ्रंट साइड से जॉइन करना है. एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए आप बीट पिन यूज कीजिए, उससे स्टिचिंग में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा. सेम चीज़ बैक में भी करनी है, बैक में भी फ्रंट में ही आपको लाइनिंग अटैच करना है. लाइनिंग अटैच करने के बाद में उसके ऊपर टॉप स्टिच करना है. आप चाहे तो डबल भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल करेंगे तो चलेगा. वैसे दोनों नेकलाइन पे मैंने टॉप स्टिच दोनों को ज्वाइन कर दिया है. अब मैं एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए यहाँ पे नॉचेस कट कर रही हूँ, ताकि जब भी मैं इसको उल्टा करूँगी तो इजीली टर्न हो जाएगा एंड उस पर ज़्यादा प्लीटिंग नहीं रहेगी, तो नेकलाइन और ज़्यादा फिनिशिंग में लगेगी. कहीं भी आप कर्व दे रहे हैं देन वहाँ पर आप नॉचेस ज़रूर दें, इससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है आप जब भी कोई आउटफिट बनाएं तब. एंड नेकलाइन में मेक श्योर आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद में उसको आयरन कर दीजिए. एंड अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर टॉप स्टिच भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उसको टर्न करने में. उसके बाद आप उसके ऊपर टॉप स्टिच कर सकते हैं. आउटफिट कंप्लीट होने के बाद में ये टॉप स्टिच आप निकाल दे सकते हैं अगर आप टॉप स्टिच नहीं चाहते हैं. फिर इसको यहाँ से शोल्डर से ज्वाइन कर देना है. सैटिन फैब्रिक है इसमें, और ये फैब्रिक ज़्यादा फ्रे होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे टॉप स्टिच करने के बाद इसको वापस स्टिच कर दूँगी, सो दैट ये जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा जो हेमलाइन पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पूरा कवर हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम कवर हो गया है. ये सेंटर मार्क करने के बाद में एपेक्स पॉइंट का डिवाइडेड बाय टू करके यहां से आपको डार्ट मार्क कर देना है एंड 1-1 इंचेस के डार्ट लेने हैं आपको. मैं यहां पे डार्ट 5 इंचेस के ले रही हूं लेंथ वाइज.
बैक में भी सेंटर मार्क करके आपको डार्ट मार्क करने हैं एंड वहीं से आपको स्टिच करने हैं डार्ट। डार्ट को आप दो तरीके से स्टिच कर सकते हैं, लाइनिंग में भी स्टिच कर सकते हैं एंड मेन फैब्रिक में भी अलग अलग स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों को साथ में लेके डार्ट स्टिच कर रही हूँ सो दैट ज़्यादा इजी रहे मुझे। उसके बाद में आपको फिटिंग मेजर करना है, आपका जो भी बस्ट राउंड है उसको मेजर करके डिवाइडेड बाई 4 एंड देन मार्क करना है एंड जहाँ पे आपको लेंथ आ रही है वहाँ से मेजर करके डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ से मार्क कर देना है। आप वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। वहाँ से नॉचेस दे दीजिए सो दैट आपको ज़्यादा इजी रहे। फिटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए आपको कितना फिट पहनना है एंड वहीं पे आपको स्टिच करना है, मीन्स साइड से आपको स्टिच करना है। वेस्ट आपके जो है उसी मेजरमेंट से आपको स्कर्ट बनाना है, आई मीन सर्कुलर बनाना है जो वेस्ट पे जॉइंट होगा। उससे पहले फैब्रिक की जो सेल्वेज लाइन है उसे कट करना है बिकॉज सेल्वेज लाइन से कभी भी फैब्रिक में फिटिंग एंड फिनिशिंग कभी नहीं आती है। सो सबसे पहले उसको कट कर दे सो दैट आपको फैब्रिक एकदम एक्यूरेट मिले, फैब्रिक ज़्यादा एक तरफ से खींचेगा नहीं, इसीलिए ये सेल्वेज लाइन कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैब्रिक को पॉइंटेड फोल्ड करके आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है, जो आपका मेजरमेंट आ रहा है वेस्ट का वहाँ पे आपको स्टॉप करके मार्क करना है जहाँ पे 30 इंचेस आ रहा है। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा फ्लोई एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये फैब्रिक अभी बायस पे हो गया है तो फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाएगा सो दैट मैं वेस्ट से 1 इंच कम करूँगी फैब्रिक एंड हाफ इंच स्टिचिंग में आएगा एंड जितना लेंथ आपको चाहिए आप उतना लेंथ वहाँ से मार्क करके कट कर दीजिए। कट करने के बाद में सर्कुलर रेडी है फॉर स्टिचिंग। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से आर्म होल मेजर करना है, आपने जो बॉडी पार्ट बनाया है उसी को आप आर्म होल मेजर कीजिए, उसी से आप आर्म होल मेजर करके 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपको सेम वैसे ही फॉलो करना है एंड आपके जो स्लीव की लेंथ है वो मार्क कर देनी है। हेमलाइन फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करूँगी सो दैट मैं इसमें इलास्टिक डाल सकूँ अच्छे से एंड वहाँ पे भी आपको आर्म होल की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। सीम अलाउंस के बाद आपको फैब्रिक को ड्रॉ करने के बाद में कट कर देना है। स्लीव यहाँ पे मेरी रेडी है, उसके बाद में वैसे ही आपको 2 स्लीव कट करनी है। मैंने दोनों स्लीव्स को अपोजिट रखा है ताकि आपको समझ में आए। एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए आपको स्लीव में 1 इंच का डीप कट करना है जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। सेम प्रोसेस आपको दोनों स्लीव में करना है, दोनों स्लीव ऑलवेज फ्रंट साइड से डीप होगी सो दैट उसे अच्छी ज़्यादा फिटिंग मिलती है एंड आर्म होल में ज़्यादा गैदर नहीं रहते हैं, आर्म होल एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। मुझे यहाँ पे दोनों स्लीव मिल गई हैं, आप देख सकते हैं फ्रंट साइड डीप है एंड बैक साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। ईजीली स्टिच हो जाए इसीलिए आप मार्क कर दो फ्रंट एंड बैक और आपको यहाँ पे हेम लाइन को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से आपको इलास्टिक डालना है जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू। मिड पिन से लॉक कर दे सो दैट इलास्टिक पीछे से निकल नहीं जाए बिकॉज ये इलास्टिक आपका एकदम फिटिंग है
जो भी आपका बाइसेप का मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से आपको इलास्टिक लेना है। आप ज़्यादा टाइट मत लीजिए, वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा लूज़ रखिए तो वो आपको कंफर्टेबल होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही एक स्लीव लगा दी है, जैसे आपको आइडिया आए कि आपको कैसे स्लीव लगानी है। पफ स्लीव में ऑलवेज दोनों साइड गैदर होते हैं, फ्रंट साइड मैंने यहाँ पे इलास्टिक यूज़ किया है एंड सेकेंड साइड जहाँ से मैं स्लीव को जॉइंट करूँ वहाँ से मैं गैदर लूँगी। स्लीव का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम गैदर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मिनिमम 4 इंचेस के गैदर आएंगे यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं आपको गैदर कैसे करना है। सेंटर मार्क करने के बाद में आप दोनों साइड से 2-2 इंचेस आप ले लीजिए फैब्रिक एंड नीडल से आप यहाँ पे गैदर बना सकते हैं। आप चाहे तो पूरी स्लीव में भी आप गैदर दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्लॉपी स्लीव चाहिए तो। स्लीव्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, साइड से भी मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब बारी है सर्कुलर स्कर्ट ज्वाइन करने की, तो मैंने उसमें भी साइड से स्टिच कर दिया, हेमलाइन को फोल्ड करके उसको भी टॉप स्टिच कर दिया है। हेमलाइन में अगर आपको एक्स्ट्रा फिनिशिंग चाहिए तो उसे आयन करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जब भी आप कोई स्टिचिंग कर रहे हैं, आप अपना कोई आउटफिट बना रहे हैं तो उसे सबसे पहले आयन करते जाएँ, तो उससे आपको एक्स्ट्रा फिनिशिंग मिलेगी। सर्कुलर स्कर्ट में ऑलवेज जॉइंट सिर्फ एक ही साइड आता है एंड कई बार इसमें मिस्टेक्स होती हैं कि दोनों पार्ट अनइवन हो जाते हैं, एक साइड से लंबा हो जाता है एक साइड से कम हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की वजह से आप यहां पे जॉइंट को बैक में, बैक के सेंटर में रखिए, ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। स्टिचिंग में ईजी हो इसीलिए बीट पिन की हेल्प से आप इसको पहले ही जॉइंट कर दें। एंड आप देख सकते हैं मेरा आउटफिट यहाँ पे रेडी हो गया है, दोनों साइड इक्वल है एंड ये है फाइनल लुक। Open up your eyes and see.